हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेज या एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल, है ना। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13 है व्हाई डू वी फॉल इल, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास नाइन्थ के लिए है ना। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में जानते हैं। हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं। आज से पहले, बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले लोगों के मन में ये विचारधारा थी, लोग ऐसा सोचते थे कि बीमारी जो है वो जीवन का चक्र है। जीवन के चक्र में जिस तरह से स्वस्थ रहते हैं, खेलते कूदते हैं, बड़े होते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से बीमारी जो है हमारे जीवन का ही एक अंग है ना। ऐसा लोग सोचते थे, क्योंकि लोग उस समय डेवलप नहीं थे, साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास उस हद तक नहीं हुआ था, जिस वजह से लोगों की सोच इस तरह से थी। लेकिन धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, पढ़ना शुरू किए, जानकारियों को प्राप्त करने लगे, उसके आधार पर उन्हें यह समझ में आया कि कुछ बीमारियों को हम लोग अपने आदतों को बदल करके सुधार सकते हैं, है ना। वी कैन चेंज सम डिजीज बाय चेंजिंग आवर हैबिट्स सच एज सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, है ना। अगर हम लोग साफ सुथरा पानी को पीते हैं तो हमारा क्या हो सकता है, स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। यानी कि बहुत सारा डिजीज जो है वो काउस्ड होता है ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। गुड सीवेज सिस्टम, अगर हमारी नालियां, हमारे कचरे का जो डिस्पोजल है वो अगर बेटर तरीके से होता है, तो अगर कचरा है ना, सीवेज स्टैग्नेट नहीं होता है हमारे होम के आसपास, हमारे हैबिटेट के आसपास, तो बहुत सारी डिजीज जो है वो हमें टच नहीं कर सकती है। पर्सनल हाइजीन, अपनी स्वास्थ्य, अपनी साफ सफाई पर भी ध्यान रखकर कहीं बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है ना। तो लोगों ने साफ सफाई पर ध्यान दिया, अपनी सुरक्षा पर ध्यान दिया, इस तरह से लोग जागरूक हो गए। आज हम लोग मॉडर्न एज में जी रहे हैं, मॉडर्न एज में लोग जागरूक हो चुके हैं। WHO हमारी एक संस्था है, वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ के लिए एक संस्था बनाई गई है ना, वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ के लिए एक संस्था बनाई गई है, और उस संस्था का नाम है WHO, है ना। WHO ने ये क्लैरिफाई किया कि हेल्दी किसे कहा जाएगा, हेल्थ का डिफिनेशन उसने देने का काम किया। तो उसने बताया कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट ओनली मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ ह्यूमन WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना था कि कोई भी व्यक्ति के अंदर डिजीज नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ होने के लिए उसे शारीरिक रूप से, है ना, फिजिकली फिट होना चाहिए, कोई अंग डैमेज नहीं है, कोई सारा अंग प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, मेंटली स्वस्थ है ना, किसी तरह का डिप्रेशन में नहीं है, तनाव में नहीं है, है ना। और साथ में सोशल वेलबींग, समाज में अपना स्तर एक बनाए हुए है, समाज में भी प्रतिष्ठित है ना, किसी से वो चुपके नहीं रहता है ना, किसी से डर नहीं है, इस कंडीशन में वो स्वस्थ माना जाएगा। तो ये दिया गया WHO के द्वारा हेल्थ का डिफाइन, है ना। कोई भी हेल्दी पर्सन जो होता है, अपने एनवायरमेंट में जो चेंजिंग होता है, कोई भी हेल्दी पर्सन एनवायरमेंट में होने वाले चेंजिंग को इजिली अडेप्ट कर लेता है। मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, बुखार आ गया, भींगा बारिश में बुखार आ गया, तो वो हेल्दी पर्सन नहीं है ना। थोड़ा बहुत चेंजिंग, टेम्परेचर में चेंजिंग हुआ, क्लाइमेट में हैजार्ड्स आया थोड़ा बहुत, है ना, पॉल्यूशन बढ़ा, तो वो सबको वो एडजस्ट अगर कर लेता है तो वो क्या माना जाएगा, हेल्दी पर्सन माना जाएगा, ठीक है। तो ये हेल्थ का डिफाइन था, हेल्दी के मतलब समझ गए कि हेल्थ होने का मतलब हमारे शरीर में किसी तरह का डिजीज ना हो, यही नहीं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी हमें क्या होना है, स्वस्थ होना है ना। ये हेल्थ का डिफिनेशन है। बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, हाउ कैन बिकम ए गुड पर्सन, हेल्दी पर्सन। तो बेसिक कंडीशन के लिए सबसे पहला जो है हमारा बैलेंस डाइट है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, किसी तरह के डिजीज से दूर रहना चाहते हैं, तो सबसे पहला चीज है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब हम जितने सारे भी न्यूट्रिएंट को एडेप्ट करते हैं, खाते हैं, इंटेक करते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट में, वो सारा न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, मिनरल्स, ये सारा हमारा क्या है, न्यूट्रिएंट। तो ये सारे न्यूट्रिएंट
हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में पहुंचने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, है ना, ये सब हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में पहुंचने चाहिए। तो अगर हम लोग वर्किंग पर्सन है तो हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट है ना। ओवर एज है ना, ज्यादा एज हो चुका है तो हमारे बॉडी में फैट का रिक्वायरमेंट कम है, फैट कम अमाउंट में लेना है। प्रोटीन, ग्रोइंग चाइल्ड चिल्ड्रन है तो उसको ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। हमारे बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारे पास विटामिन और मिनरल्स पहुंचने चाहिए, फ्रूट से, वेजिटेबल से, है ना, मिल्क से। तो ये सारा हमारा बैलेंस डाइट के अंतर्गत आता है। पर्सनल हाइजीन में अपने बॉडी का प्रॉपर केयरिंग, है ना। अपने बॉडी के प्रॉपर केयरिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर अपने नेल को कट कर सकते हैं, ब्रश करेंगे टीथ को, है ना, अपने बॉडी के क्लीननेस पर ध्यान देंगे, और साथ में क्या है, टाइड क्लीन और टाइडी के हम लोग क्लॉथ को बियर करेंगे, है ना, साफ सुथरा क्लॉथ को पहनना है, और क्या है, गंदगी से दूर रहेंगे। तो ये सब पर्सनल हाइजीन में आता है। साथ में क्लीन एयर हमें चाहिए। क्लीन एयर तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन का अमाउंट क्या हो, कम। और पॉल्यूशन को हटाने के लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, यानी कि क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, आसपास पेड़ लगा सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए सरकार एक्ट बनाए चुकी है और हम लोग उस एक्ट का फॉलो कर सकते हैं। हमारा क्लीन सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के हैबिटेट के आसपास जो है वो गंदगी जमा नहीं होना चाहिए, डर्टी वाटर्स जमा नहीं होना चाहिए। हमारे गार्बेज जो है वो हमारे घर के आसपास ना हो। गार्बेज रहेगा तो बहुत सारा फ्लाइज है ना, और मॉस्किटो वहां ग्रो करेगा। हम जानते हैं फ्लाइज और मॉस्किटो हमारे अंदर डिफरेंट तरह के डिजीज काउज करने में सक्षम है। कई तरह के डिजीज हमें वो दे सकते हैं। तो इसलिए हमारे आसपास जो है इस तरह की साफ सफाई पर ध्यान देना है। हमारा सराउंडिंग क्लीन हो, हमारे हाउस के साथ साथ हमारा सराउंडिंग भी क्या हो, क्लीन हो। हमें क्लीन फूड लेना है, साफ सुथरा खाना लेना है, कंटामिनेटेड फूड से बचना है और वाटर से बचना है ना। कहने का मतलब जो बासी खाना है या सड़क पर जो कई दिनों से बना हुआ खाना है वो सब से परहेज करना है। सारा कुछ हो गया उसके बाद हमारे बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी काफी जरूरी है। एक्सरसाइज के रूप में हम लोग साइकिलिंग कर सकते हैं, है ना, योगा कर सकते हैं, और क्या है, एरोबिक्स है, और क्या है, जिम है। एक्सरसाइज दौड़ना कूदना है ना, ये सब के वजह से हमारा बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शंस करते हैं, नॉर्मली वर्क करते हैं। और अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्लीप भी, नाइट स्लीप जो है वो बेहतर तरीके से होगा। हम लोग अच्छे से रात में सो सकते हैं, और साथ में क्या है कि एक प्रॉपर रिलैक्स भी हमारे बॉडी को, अगर हम खूब वर्क करते हैं, है ना, तो प्रॉपर वर्क करने के बाद जो है 7 से 8 घंटे का स्लीप भी जरूरी है ना। ऐसा ना हो कि हम काम करते रहें और रेस्ट नहीं है तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, काफी सारी बीमारियां का जन्म होगा। तो इसलिए रिलैक्सेशन भी काफी जरूरी है। 7 से 8 घंटा जो है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, कितना देर का स्लीप जो है हमारे बॉडी के सारे ऑर्गेन को रिलैक्स कर देता है, तो और फिर से नए वर्क के लिए वो रेडी हो जाते हैं। आदमी को किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्शन नार्कोटिक एडिक्शन है, शराब, अल्कोहल हो गया, टोबैकोज हो गया, स्मोकिंग है, ये सबसे हमें क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियों को जन्म देते हैं। अगला है गुड इकोनॉमिक कंडीशन। गुड इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब हुआ कि अगर एक पुअर व्यक्ति है तो वो बैलेंस डाइट कहाँ से पाएगा, है ना। पुअर व्यक्ति है तो उसे पानी पीने के लिए क्लीन एयर कहाँ से, क्लीन वाटर कहाँ से मिलेगा, नॉर्मल फूड नहीं मिल पाएगा, साफ सुथरा बासी खाना वगैरह खाना पड़ेगा, है ना। और रिलैक्सेशन कहाँ से मिलेगा, हमेशा कमाने का सुर है ना, ज्यादा काम करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा, तो एक्सरसाइज ज्यादा करना करेगा, रिलैक्सेशन कम होगा, है ना। इस कंडीशन में वो स्वस्थ नहीं रह सकता है, यानी कि स्वस्थ होने के लिए गुड इकोनॉमिक कंडीशन भी जरूरी है। आर्थिक रूप से हमें मजबूत होना भी चाहिए जिससे कि हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कंडीशन था गुड हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेसिक कंडीशन था। अब आगे आते हैं हम लोग डिजीज के ऊपर। व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या है ना, डिजीज कैसे हमारे अंदर पहुंचता है, डिजीज का कारण क्या है। तो सबसे पहला दो वर्ड से मिलकर के ये बना हुआ है, पहला है डिस, दूसरा है इज, है ना। इज का मतलब नॉर्मल कंडीशन, रेस्ट, रिलैक्स। तो डिजीज में क्या होता है, विदाउट इज, है ना, आराम खत्म हो गया और डिसकंफर्ट में पर्सन पहुंच गया। पर्सन जो है वो कैसा हो गया, डिस्कम्फर्ट में पहुंच गया, रिलैक्स खत्म हो गया, तो उसी को क्या कहा जाता है, डिजीज कहा जाता है।
डिजीज के लिए आप एक लाइन देख सकते हैं, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी विच डज नॉट लेट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। एक ऐसा कंडीशन जिसमें हमारा बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है ना, और हम अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो ये है हमारा डिजीज। अगर विस्तार से देखा जाए तो एन इम्पेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल लिविंग में अगर कोई तरह का दिक्कत आ रहा है, माल फंक्शनिंग आ रहा है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉर्मली रहने के लिए, है ना। दूसरा है जिसके वजह से दैट डिस्टर्ब या मोडिफाइड द परफॉर्मेंस ऑफ द वाइटल फंक्शन, अगर कहीं पर इंपेयरमेंट हो गया बॉडी पार्ट्स के अंदर जिसके वजह से क्या हो जाएगा, वाइटल फंक्शन जितने सारे हमारे बॉडी के फिजियोलॉजी हैं, फिजियोलॉजी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। और इसके रिस्पांस में फिर से एक बार एन इंपेयरमेंट ऑफ द नॉर्मल स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल स्टेट में दिक्कत हो जाए, वो ना साधारण रूप से रह नहीं पाए, यहां पेन है, इधर दर्द है, या किसी तरह का समस्या है, तो उसके लिए जिसके वजह से हमारे बॉडी के इंटरनल जितने सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ये इंपेयरमेंट का कारण क्या हो सकता है, या तो एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, हैजार्ड हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर है जिसके वजह से आदमी के बॉडी फिजियोलॉजी के फंक्शन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर। दूसरा है कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्टिव एजेंट भी ऐसा काम करते हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन को डिस्कम्फर्ट में ला देते हैं। तो स्पेसिफिक एजेंट में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन, फंगस, है ना, ये सब जो है हमारे बॉडी के फंक्शन को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। दूसरा है इनहेरेंट डिफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म जो है जेनेटिक रूप से डिफेक्ट लेकर के पैदा हुआ है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है तो नॉर्मली कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, हेमोफीलिया है अगर हाथ पैर कट जाएगा तो उसका खून नहीं जम पाएगा, तो ये सब जो है वो क्या है, इनहेरिटेड फैक्टर के वजह से हुआ, तो वो भी नॉर्मल पर्सन नहीं कहलाएगा, डिजीज्ड कहलाएगा। अब जो है कॉम्बिनेशन, या फिर ऐसा भी हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर, इन्फेक्टिव एजेंट और इनहेरिटेड डिफेक्ट के वजह से, है ना, वो डिस्टर्ब हो गया है तो वो डिजीज का कंडीशन कहलाएगा, है ना, इतना सारा डिजीज। अब मान ले हम चल रहे हैं, एकाएक मेरा पैर टूट गया, तो वो क्या वो डिजीज की श्रेणी में आएगा, है ना, उसे हम लोग डिजीज नहीं कहेंगे, बीमारी नहीं कहा जा सकता है, डिजीज नहीं कहा जा सकता है। अगर हमारी गलती के वजह से हमारा पैर में फ्रैक्चर हो गया, हाथ में फ्रैक्चर हो गया, तो इस तरह का कंडीशन को डिजीज कंडीशन नहीं कहा जाता है ना। कुछ यहाँ डिजीज का नाम है, जैसे आर्थराइटिस है, पूरे जोड़ों में दर्द हो जाता है, नॉर्मली आदमी नहीं रह सकता है, इन्फ्लुएंजा है ना, कॉमनली फ्लू कहा जाता है, टाइफाइड है, फीवर है, मलेरिया है, तो ये सब जो है वो कुछ सम डिजीज का एग्जाम्पल है जिसके द्वारा हम लोग डिजीज को थोड़ा हद तक क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं, दो शब्द है साइन और सिम्टम, है ना, दो वर्ड है साइन और सिम्टम। साइन और सिम्टम को समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस है इसे हम लोग देखेंगे। तो पहला वर्ड है सिम्टम। सिम्टम क्या है, सिम्टम जो है इज अ चेंज इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विच इज फेल्ट बाय ए पेशेंट बट कैनॉट बी ऑब्जर्व बाय ए डॉक्टर। ये नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी का है, एक हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी में कुछ ऐसा चेंजिंग आ गया जिसको हम लोग महसूस कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जाने के बाद भी डॉक्टर उसको महसूस नहीं कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, सिम्टम कहलाएगा। यहां पर मेरा एज, सपोज मेरे स्टोमक में एज है ना, हम मुझे सांस लेने में समस्या हो रही है ना, हम मुझे सांस लेने में समस्या हो रही है, मेरे सिर में दर्द है, ठीक है, मेरे बैकबोन में पेन है, मेरे लेग में पेन है ना, विदाउट स्वेलिंग, किसी तरह का स्वेलिंग नहीं है, पेन, तो ये सब सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूं, डॉक्टर महसूस नहीं कर सकता, तो ये क्या कहलाता है, सिम्टम कहलाता है। ठीक है, सिम्टम इज अ चेंज इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी विच इज फेल्ट ओनली बाय द पेशेंट नॉट बाय द डॉक्टर। ठीक है, वही दिए हैं एग्जाम्पल, यहाँ स्टोमक एच है, नोजिया है, सोर थ्रोट है, तो इस तरह का है ना हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इट इंडिकेट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डिजीज नॉट टाइप ऑफ डिजीज,
यानी कि सिम्टम से हमको यह महसूस हो सकता है या हम सिम्टम किसी को बताएंगे तो वह कह सकता है कि आपको बीमारी है, वो ये नहीं बता सकता है कि मुझे कौन सी बीमारी है ना। यानी कि सिम्टम जो है कलेक्शन ऑफ डिजीज है, सिम्टम कलेक्शन ऑफ डिजीज है, कोई डिजीज हो सकता है उसमें से, ढेर सारे डिजीज में से कोई एक डिजीज हो सकता है। अब पार्टिकुलर डिजीज का पता लगाना है तो पार्टिकुलर डिजीज का पता लगाने के लिए साइन है ना, साइन जो है एक पार्टिकुलर डिजीज को इंडिकेट करने का काम करता है। सिम्टम किसी भी डिजीज के बारे में, सिम्टम कोई भी सिम्टम, कोई भी लक्षण हमारे अंदर दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि हम बीमार है, मेरे स्टोमक में दर्द है, कंधे में दर्द है ना, बैकबोन में पेन है, या फिर मेरा लीवर में प्रॉब्लम है, स्प्लिन दर्द कर रहा है। कहने का मतलब हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में किसी तरह का सिम्टम है जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, दूसरा महसूस नहीं कर सकता है। तो अगर उसे हम बताएंगे तो वो समझेगा कि मुझे बीमारी है, और कौन सी बीमारी है इसके लिए साइन है ना। अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग साइन और सिम्टम होते हैं, साइन होते हैं है ना, अलग अलग डिजीज के लिए क्या होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं। यानी कि साइन से हमें पार्टिकुलर डिजीज का पता चलता है। साइन ऑफ ए डिजीज इज ए चेंज इन द बॉडली फंक्शन स्ट्रक्चर दैट कैन बी ऑब्जर्व बाई डॉक्टर, और साइन के द्वारा, साइन को ही डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। डॉक्टर जो हमारा एग्जामिनेशन करता है, एग्जामिनेशन में वो हमारे साइन को ऑब्जर्व करता है। सिम्टम हम उसे बताते हैं, साइन को वो ऑब्जर्व करता है और उस हिसाब से प्रेस्क्राइब करता है मेडिसिन को, या हमें जो चीज वो देना चाहता है। ठीक है, तो ये साइन और सिम्टम में डिफरेंस है। जैसे साइन में रैसेस है, स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड है, फीवर है, स्किन कलर चेंजिंग है, ये सब हमारा क्या है, साइन है। ठीक है, अब लगातार हम वोमिट कर रहे हैं, लगातार उल्टी हो रही है ना, लैट्रिन हो रहा है, तो कोई आदमी समझ सकता है कि डायरिया है ना, या डिसेंट्री है इसे। तो इस तरह से ये बीमारी का लक्षण से हम बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी है ना। वही कह रहा है कि इट इंडिकेट पार्टिकुलर डिजीज, साइन जो है एक पार्टिकुलर डिजीज को बचाता है, बताता है, और साइन और सिम्टम दोनों मिलकर के डॉक्टर को मदद करते हैं डिजीज के डायग्नोसिस में। साइन सिम्टम हम बताते हैं, साइन को डॉक्टर ऑब्जर्व करता है, तब वो डायग्नोस कर पाता है कि व्हाट टाइप ऑफ डिजीज वी हैव, है ना। तो डायग्नोसिस वर्ड क्या है, तो डॉक्टर जितना सारा ऑब्जर्वेशन साइन और सिम्टम का किया है ना, और साथ में उस समय उसने यूज किया बीपी, टेम्परेचर, वेट, इस सबको मेजर किया, और उसके बाद जितना सारा उसका फाइंडिंग था वो कहलाएगा डायग्नोसिस। तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिजीज, साइन सिम्टम और कुछ मेजरमेंट के आधार पर जो हमारे डिजीज को वो प्रेस्क्राइब करता है वही कहलाता है उसका डायग्नोसिस। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए डिजीज इज कॉल्ड डायग्नोसिस। ठीक है, तो वही बीपी, टेम्परेचर, वेट को मेजर करेगा डॉक्टर। इसके अलावा कुछ लैब टेस्ट भी होते हैं, ब्लड टेस्ट है, ब्लड में हजारों तरह के टेस्ट है, प्लाज्मा से टेस्ट होता है, टोटल ब्लड से, जैसे टीसी है, डीसी है ना, और क्या है, ईएसआर है, और भी बहुत सारे डिजीज टेस्ट है जिसके द्वारा डॉक्टर पता लगाता है। ब्लड या यूरिन या स्टूल का टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ना के द्वारा टेस्ट होता है। तो इतना सारा हम लोगों ने आज पढ़ा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें है ना, दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। धन्यवाद, हमारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।